नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लावा Z6 वर्सेस Xiaomi Redmi Note 10 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो लावा Z6 में 6.48 इंच जबकि Redmi Note 10 में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि लावा Z6 से कम है। विड्थ की बात करें तो लावा Z6 में 2.98 इंच जबकि Redmi Note 10 में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि लावा Z6 से कम है। बात करें थिकनेस की तो लावा Z6 में 0.35 इंच जबकि Redmi Note 10 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो लावा Z6 में 190 ग्राम जबकि Redmi Note 10 में 178.8 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो लावा Z6 में IPS LCD जबकि Redmi Note 10 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो लावा Z6 में 6.51 इंचेस जबकि Redmi Note 10 में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन लावा Z6 में 720x1600 और Redmi Note 10 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लावा Z6 में 82.06% जबकि Redmi Note 10 में 83.53% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो लावा Z6 में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi Note 10 में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो लावा Z6 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 10 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो लावा Z6 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 10 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो लावा Z6 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Redmi Note 10 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो लावा Z6 में पावर GE8320 जबकि Redmi Note 10 में Adreno 612 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो लावा Z6 में MediaTek Helio G35 और Redmi Note 10 में Qualcomm Snapdragon 678 मिलता है। बात करें RAM की तो लावा Z6 में 6GB की RAM मिलती है जबकि Redmi Note 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो लावा Z6 में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi Note 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लावा Z6 में एंड्रॉइड V10 क्यू जबकि Redmi Note 10 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो लावा Z6 में 2 कलर्स जबकि Redmi Note 10 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो लावा Z6 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 6 गीगाबाइट रैम 64 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 10,299 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 10 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 गीगाबाइट रैम 64 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस, 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो लावा Z6 में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 10 की तो उसमें 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 10 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में लावा Z6 आगे है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 है, जो कि 10,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Micro Max N Note 1 है, जो कि 10,490 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है, जो कि 10,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें लावा Z4 है, जो कि 9,399 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।